हेलो फ्रेंड्स, क्रिस्पी लॉलीपॉप आप घर पे आसानी से कैसे बना सकते हो, आज हम ये रेसिपी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन ले लिया है और इसे मैंने पहले अच्छे से वॉश करके इसका जो पानी है उसे अच्छे से निचोड़ देना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और चिकन के शॉप में इस तरह के लॉलीपॉप वाला चिकन आपको आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही फ्रेश मिलता है। और इसका जो पानी है उसे अच्छे से इस तरह से निचोड़ लेना है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच विनीगर। आपके पास अगर विनीगर नहीं है तो लेमन जूस ऐड करें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा चाहिए होता है। थोड़ी सी फूड कलर ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, फूड कलर का कोई टेस्ट नहीं है। छोटा 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट डाल के आप एक बार लॉलीपॉप बनाकर खा के देखिए। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए मसाला अच्छे से कोटिंग हो गया है। अब हम इसे ढक के कम 1 घंटा तक रखेंगे, चाहे तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। तब तक हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। जब तक ऑयल गर्म हो तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक अंडे का वाइट पार्ट लिया है, क्योंकि मेरा चिकन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए मैंने कम ही लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, 1 चम्मच राइस फ्लावर पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने ये जो डाला है मसाला इसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मिर्च पाउडर ऐड करें। 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो कोटिंग है ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से बस कोटिंग होना चाहिए। अगर थोड़ा कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। ऑयल को हमें मीडियम गर्म करना है और फिर लॉलीपॉप को डाल देना है। लॉलीपॉप डालने के बाद हमें लो मीडियम और मीडियम पे गैस को रख के हमें इसे 6-7 मिनट अलट पलट के फ्राई करना है। 6-7 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए 6-7 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी तरह बाकी बचे चिकन को भी फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ये देखिए ये भी हमने फ्राई कर लिया है। ऑयल छान लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कोई झंझट नहीं है। अब हम सारे लॉलीपॉप को फ्राई कर लिया है, देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10-15 मिनट के बाद या जब भी आपको खाना है हमें इसे 2 बार फ्राई करना है। इससे हमारा लॉलीपॉप एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा। सेकेंड टाइम जब हम लॉलीपॉप को फ्राई करेंगे तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसे 2-2.5 मिनट तक गैस को मीडियम या लो मीडियम रख के फ्राई करना है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी लॉलीपॉप बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इसका आवाज़ आप सुन रहे हो, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है हमारा ये लॉलीपॉप। इसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, साथ में सलाद ले लीजिए और सेजवान चटनी या ग्रीन चटनी जो भी आपको अच्छा लगे। लॉलीपॉप के ऊपर से थोड़ी सी चाट मसाला डाल दीजिए और भी स्वाद बढ़ जाएगा। फिर आप गर्मा गर्म सर्व करिए। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।